चलिए भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें। पूर्व मंत्री हरेंद्र बब्बू ने माफी मांगी है। दरअसल सीनियर नेताओं से बातचीत करने के बाद पूर्व मंत्री हरेंद्र बब्बू के स्वर अब नरम पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने गुस्से में कहा था कि मेरी हत्या हो सकती है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी मेरी माँ है और मैं हमेशा उनकी सेवा करूंगा। पूर्व की घटनाक्रम के बाद पार्टी ने डैमेज कंट्रोल किया है। पार्टी ने बब्बू को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। उसके बाद आज मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद उनके स्वर बदले बदले से नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और माफी मांगता हूं। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, एक तरफ जब बब्बू को देखा गया कि उनके पहले जो बयान थे वो थोड़े से तल्ख थे, और आज जब बीजेपी के सीनियर नेताओं से उनकी बातचीत हुई उसके बाद उनके स्वर बदले बदले से नजर आए। दिनेश, इसमें मैं चाहूंगा कि वो बयान भी सुलझाइएगा दर्शकों को कि आखिर क्या कहा हरेंद्र बब्बू ने। जहां हरेंद्र बब्बू की बात है तो सुबह जरूर उनके स्वर बदले हुए थे और कुछ ऐसी बातें कही थी जो भारतीय जनता पार्टी ने काफी गंभीरता से लिया। बीच के कुछ दिनों में हम देखें तो कुछ ऐसे मसले भी सामने आए हैं जिसे लेकर भी पार्टी ने गंभीरता दिखाई है। इसको डैमेज कंट्रोल के रूप में भी देखा जा सकता है। और हरेंद्र सिंह बब्बू थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे और दफ्तर पहुंचने के बाद मुरलीधर राव और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हुई। तत्काल बाहर आए और उन्होंने कहा कि पार्टी मेरी माँ है, मैं माफी मांगता हूँ। ये बयान जरूर आप सुनवाइएगा जिसमें उन्होंने आखिर किस तरह उनके स्वर बदले हैं और उन्होंने माफी मांगी है, पार्टी को अपनी मां बताया है। पहले भी एक बार इस तरह का बयान उनकी तरफ से कुछ आया था जो चर्चा में बना था, लेकिन आज सीधे तौर पर उन्होंने बड़ा बयान दिया था। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे तो सब कुछ बदला बदला सा था। पार्टी को अपनी माँ बताया, उन्होंने कहा बरसों से मैं बीजेपी का रहा हूँ, ना मैं कहीं जाऊँगा और मुझे टिकट मिले या ना मिले, पर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। बरसों बरस है, मेरे लिए सर्वोपरि है भारतीय जनता पार्टी, और बाकायदा माफ़ी मांग ली। तो अब ये दौर 2023 चुनाव का है, इसमें कई बार ऐसे बयान देखने को हमें मिलेंगे भी। बड़ी बात यह है कि पार्टी ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया हरेंद्र सिंह बब्बू को। उसके बाद उनके जो तेवर थे वो नरम पड़े हैं। माफी मांगने के बाद अब ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल की तरफ बढ़ रही है, और जहां से भी इस तरह की चर्चाएं आती है तो ये होना भी चाहिए। यदि कोई ऐसी गलती कहीं से होती है तो चाहे वो सामने वाले जिसकी तरफ से बयान आया उसकी बात हो या नेताओं की तरफ से हो, बैठ के किसी मसले का हल निकलना चाहिए। तो हमें लगता है इसका पटाक्षेप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज कर दिया गया, क्योंकि कल बड़ी कार्य समिति की बैठक होने वाली है। उससे पहले तमाम वरिष्ठ लीडर आज बैठे थे और हरेंद्र सिंह बब्बू भी पहुंचे और फिर माफी मांग ली। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी। तो साफ तौर पर जिस तरह से बब्बू का बयान पहले आया, बयान के बाद अब जब आज उन्होंने नेताओं से मुलाकात की तो ये माना जा रहा है कि उनकी नाराजगी दूर की गई है। और लगातार बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर रही है और उसी का नतीजा है कि इस तरह से अब बयान साफ तौर पर सामने आ रहे हैं। चलिए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा हरेंद्र बब्बू। कुछ कह दिया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, मेरे लिए सब कुछ है, इसके लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि है, भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। अगर मैंने कुछ कह दिया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, मेरे लिए सब कुछ है।